ये क्या किया? इधर बहुत है इधर, यहाँ उस टांग से जोर दो बल्ली को। दिया हुआ। चलो मारो किक। आप कह रहे कि ना तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक ठाक है। वीडियो डालने से पहले हमारे छोटे से रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो जो है पूरी वॉच करनी है, वीडियो स्किप करने के लिए। तो माशाल्लाह जी सुबह सुबह का टाइम हो गया, तो नमाज अदा करके कभी के घर के काम शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मैं उठती भी 5 बजे हूँ और अकेली हूँ घर के काम करने के लिए। भाभी भी नहीं है और फरमान भाई भी नहीं थे, इसलिए आज पता नहीं भाभी और फरमान भाई वापस आते हैं कि नहीं आते, और मेरे उस्ताद भी उनके साथ हैं वो भी पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। जब भाभी साहब वापस आएगी तो भाभी दूसरी भी आएगी ना, अगर वो नहीं आएंगे तो वो भाभी कैसे आएगी? मुझे तो लगता है कि आज आ जाएंगे, लेकिन पूरा यकीन नहीं है। लेकिन 5 बजे की उठी हूँ, घर के काम वगैरह किया और जो किया कि हेल्प है मेरे साथ, उसने सुबह सुबह उठ के उसने कहा कि मैं ना तंदूर जला लेती हूँ, आपने झाड़ू लगा ले, फिर धूप हो जाएगी तो फिर झाड़ू नहीं लगाया जाता। तो इसलिए ज़किया ने मैंने आटा वगैरह गूंद के ज़किया ने तंदूर जला लिया और मैंने झाड़ू वगैरह लगा के, तो फिर मैं जब रोटी बना रही थी ज़किया ने कहा कि मैं कचरा उठा लूँ आप रोटी बना लें, ज़किया ने कचरा उठा लिया और मैं रोटी बना ली है। अभी आई हूँ कमरे में झाड़ू लगाने, तो इस कमरे में मैं लगा रही हूँ और अम्मी ने कहा है कि अपने रूम में लगा ले और दूसरे रूम में मैं लगा लेती हूँ, किचन में और अपने रूम में और भाभी के रूम में वो अम्मी लगा रही है। और ये कचरा वगैरह उठा के जो फिर जो है सबको नाश्ता देते हैं, और नाश्ता खुद भी करते हैं और सबको नाश्ता भी देते हैं, क्योंकि गर्म गर्म नाश्ता होता है टाइम से कर लें, तो फिर नाश्ता जब ठंडा हो जाता है ना तो फिर नाश्ता नहीं किया जाता। और हसीब को भी नाश्ता दे दिया है आज, क्योंकि हसीब की बारी थी बकरियों के साथ जाने की। हाँ जी हसीब, नाश्ता कर लिया? माशाल्लाह अभी जा रहे हो बकरियों के साथ? हाँ जी। पानी ठंडा है कि गर्म है? ठंडा है। ये बोतल मुझे दे दो, मैं पकड़ लेती हूँ। चलो मैं हसीब के साथ ना बोतल में पानी डलवा लूँ। चलो डाले। जब फ्रिज में पानी रखते हैं ना तो एक एक बोतल ना बच जाती है, सुबह मट्टी में भी डालते हैं और जब लस्सी बनाते हैं ना मक्खन नहीं निकलता, सुबह मट्टी में भी डाल लेते हैं। और हसीब जब कोई भी बकरी के साथ जाता है ना तो ठंडी बोतल लेके जाता है। और इसके ऊपर देखिए ये अबू ने कपड़ा डाल के दिया है, क्योंकि बहुत गर्म कपड़ा है, मतलब इसके साथ ना पानी बिल्कुल ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता, इसलिए पूरा दिन पीते रहते हैं। गर्म नहीं होता ना पानी? नहीं जी। इधर कचरा उठाने आई है, पता नहीं आज ज़किया ने झाड़ू लगाए हैं। हाँ जी, पर किसने लगाया है पूरे सहन पर? आप सिर्फ कचरा उठाते हो? मैं बाल सटे में बुलाऊँ दांत मिलाने के लिए। तंदूर भी जलाया आपने? माशाल्लाह। और जब आपकी भाभी नहीं होती तो आप काम करवा लेती हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहनती बच्ची हो। कोई नहीं है ना करवाने वाला? चलो सटके आओ टोकरी। इधर मम्मा जाने क्या कर रही हैं? बर्तन धो रही हैं। ये कोले शोले धो रही हैं कि सालन इसमें डालूं और खाना खाऊं? सही है, खाना भी डालना है। दूध वाले बर्तन धो रही हूं मैं। दूध वाले? अच्छा सुबह के टाइम जमाते हैं?
इसमें सालन पड़ूंगी। लस्सी शस्सी बन गए? हाँ बन गई। धांधी हो? धांधी भी हाँ। मैं लस्सी बना दी। अच्छा चलो सही है। ये मैडम सबक क्या लेके आई है? ये काले वाले अंगूर हैं जो रखे हुए थे, हमने कहा निहार में खाएंगे सुबह सुबह। कल नहीं बांटे थे? नहीं, वो मतीरा बांटा था और शाम को रोटी भी खानी थी इसलिए रख दिया, अभी निहार में खा रहे हैं। देखिए कितने ठंडे ठंडे होते हैं। ठंडे हैं? हाँ जी ठंडे हैं। अंगूर खट्टे हैं? खट्टे नहीं है, मीठे हैं। अभी खट्टे के मौसम नहीं आई? खट्टे के मौसम तो आया, अभी शुरू में खट्टे होते हैं। जब ये फूल पक जाते हैं ना तो फिर कैसे होते हैं लाल लाल? ये देखे ना, ये वाला गुच्छा देखे, ये सब्ज है। जब फूल पक जाते हैं ना तो फिर देखे ये ऐसे हो जाते हैं। ये है सबको दे दिए? हाँ जी सबको दे दिया है, सब खा रहे हैं। दादी को भी मिल गए? दादी को भी मिल गया, अबू को भी मिल गया, बच्चों को भी मिल गया। सुबह सुबह किसका मशुरा था ये खाने का? हसीब का, क्योंकि वो बकरे के साथ जा रहा है। सुबह सुबह सही है सेहत के लिए। हाँ जी आप भी आ जाएं। बिस्मिल्लाह। घर से बाहर निकल आए हैं, किसी काम से जा रहे थे? बहुत ही ज़रूरी काम था जहाँ पर हम जा रहे हैं, बस हमें दुआ करें। और ये मैं बताती चलूँ, क्योंकि मैंने कहा इरफान से कि मुझे ना बाइक चलानी है आज। तो मैडम की ज़िद है कि आपने कभी बाइक जो है नहीं चलाने दी। आज हम अकेले आए हैं, काम से जा रहे थे, दोस्त ने बोला मुझे भी बाइक सीखनी है। मैंने कहा चलो चला सकते हैं तो सीख लें। मैं चला लूँगी, बैठ जा। चलाया नहीं है लेकिन पहली बार चला रही हूँ, बैठ भी दुआ करना। हाँ सीधा कार तो रही, सीधा कर लोगी, सीधा कर लोगी, हरकतें कार तो रही है, देखते हैं। चलो पहले सीधा तो कर ले, ये दूसरी टांग नीचे करें ऐसे। हाँ हो गया सीधा। गिर ना जाना। हाँ अब स्टार्ट करो, वो दूसरी टांग को रख के ना ये दूसरी इधर वाली से स्टार्ट करो। नहीं नहीं होता। हाँ वैसे चेक तो कर लो, वो वैसे रेड पे खड़ा है ना इसलिए पीछे जा रहा है। तो अभी आप वो उस टांग का दबाव दो ना पर दूसरी साइड पे। हाँ अब इसकी किक मारो। हाँ नहीं नहीं इधर ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा उधर कर लो, बहुत तेज है। हाँ उस टांग से जोर दो बल्ली को। हाँ, दिया हुआ। चलो मारो किक। अब कह रखे ना तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पीछे बाइक भी आ रही है। नहीं वो इस साइड से चली जाएगी। नहीं नहीं लगती किक। ये क्या आम जैसी लड़की, आम सी लड़की वो भी किक मार लेती है। नहीं मैं ना ये बाइक को जाने दे। अच्छा और उसके बाद जो है ना मैं ऐसे चलाती हूँ। ऐसे क्या चलाना हुआ? ऐसे चलाती हूँ, वो उधर से नहीं लगती ना, सीख जाऊंगी अभी ऐसे करके ना। एक तो आपसे किक भी नहीं लगाएगी, ऐसे चलाओगी? नहीं ऐसे करती हूँ। हाँ अब ऐसे चलाओगी? हाँ हाँ वो ये क्या किया? गिर गई, मैं क्या करूं? अब मोटरसाइकिल तोड़ोगी? नहीं अब इसे उठाती हूँ। नहीं उठाया जाएगा आपसे, रहने दे। नहीं उठाऊंगी। वो देखे नहीं उठाया जाएगा, बोला तो है। फिर आप आ जाए। चलो मैं उठा लूँ, आपका काम नहीं है ये तो मान ले आप। नहीं मैं चलाऊंगी। फिर से जिद? मैं चलाऊंगी। जब एक ऐसे पकड़ा हुआ गिर गया आपसे, वो उठा भी लिया हुआ, उठा लिया हुआ। हाँ अब चले, टाइम जो है कम है। हाँ। आप किसी और दिन चला लेना। हाँ
नहीं वो अपना सैन है ना, वो प्लास्टर है। अच्छा उधर चला लूंगी, उस पे छोटे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आ जाएंगे तो आने दो, अब्बू को कहूंगी मुझे सिखाएंगे। नहीं मैंने अब्बू को बोला था, अब्बू नहीं सिखा सकते ना, मैं आपका हस्बैंड हूँ, मैं सिखा सकता। नहीं अब्बू बस ऐसे चार पे के ऊपर बैठे रहेंगे और मुझे बताते रहेंगे। पहली बार जब मैं न्यू आती थी ना इस घर में, तो मतलब मेरी शादी हुई थी, तो मैंने अब्बू को बोला कि मुझे ना ये बाइक सिखाएं। अब्बू ने कहा कि पहले इसको सीधा तो करें, वो जब एक साइड पर होती है ना, तो अब्बू ने कहा कि इसको सीधा तो कर लें उसके बाद सीखना। अब देखें जैसे आप सीधा किया है वो नीचे गिर गई। मैंने बोला ना आपसे तो कितने लगाए जाते, आप क्या सीखोगे? कैसे उठाते हैं मुझे ना कार लेके दें, मैं वो सीख लूंगी, मैं खुद चलाऊंगी। पहले आप बाइक सीख लें फिर कार मिलेगी आपको, गिफ्ट में मिलेगी। सच में? हाँ आप पहले बाइक चलाना सीख लें। मैं आप भी चला लूंगी। क्या मुश्किल काम जो है यही है। नहीं नहीं और चला लूंगी, तोड़ना नहीं है, बाबा जानी मंदे करते हैं। तो चले फिर, नहीं चलाई जाती, मैं तो सीखूंगी अब, सिर्फ फिर आपसे ना गिफ्ट लूंगी। बहन भैया ये सुन रहे हैं सब, मैं जब ये बाइक सीख जाऊंगी ना तो इरफान से मैं गिफ्ट लूंगी, और वो भी कार। अगर ना सीख पाई तो फिर मैं देऊंगी गिफ्ट। मैं तो कहता हूँ आप ये बाइक छोड़ें। हाँ। कोई कार गिफ्ट करेंगे ना कोई हमें, फिर आप कार ही चलाना। ओके ये बाइक आपके बस की बात नहीं है। हाँ जी थक गई तो ठीक है, चलें फिर, ऐसे टाइम जाया कर रहे हैं। हाँ जी चलें।